फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आई एम होपिंग कि इस वीडियो से पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था शायद जो पिछली बारी कि हम लोग हारे हैं क्रिकेट में, और अब वाले में चेंजेस क्या ऐसे आए कि अब हमने अपना कमाल दिखाया है। तो वीडियो का टाइटल है रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, लोगों को गिर रही क्या? ऐसे कर देख रहा हूँ तुम सबको, फिर ऐसे क्या हुआ है? Ladies and gentlemen, we have with us Mr. Rohit Sharma, who is the vice captain of the Indian cricket team, and he is also the man of the match today. He is here to address a press conference. Please raise hand and wait for your turn. Yes, Amol, and then Surendran sir, and then Rasesh, then K.R. Nair sir. Rohit, what is it that changed suddenly? Was it the change in the... To be honest, it's very much that kind of a situation for us. We know that if we lose any game from here on now, we are out of the tournament. So we have to win everything. And when you are in that kind of situation, you have to play fearlessly, not think too much about what is happening or what is happening elsewhere. So I think the approach today from everyone was different, and I wish it was in the first two games as well, but it didn't happen. But that can happen when you are on the road for a long time. Decision making sometimes can be a problem, and that is exactly what happened in the first two games. We are a very good team. It's just that we were not good on that particular day, you know, against Pakistan and New Zealand. Today the game we played, it's, you know, pretty much sums it up that this is the kind of team we are, and we, when we play fearlessly, this is what we get. Rohit, इसी से जुड़ा सवाल है कि इतने साल आप क्रिकेट खेले हो, मेहनत होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कभी क्रिकेट में जो एग्जीक्यूशन है वो होता है, कभी नहीं होता है, ये इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि क्यों होता है ऐसे, कभी आपने जिक्र किया है इसका? नहीं, अभी देखिए जिस तरीके से जितना क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं और जिस तरीके का लाइफ अभी चल रहा है, समटाइम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर ऑन द फील्ड यू हैव टू मेक राइट डिसीजन। हमेशा आप जब ग्राउंड पे जाओगे आपको सही डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपका माइंड और मेंटल एस्पेक्ट जो है वो फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पे हमारे से वो डिसीजन मेकिंग जो था वो ठीक से हो नहीं पाया ग्राउंड पर, चाहे वो बैटिंग की आप बात कर लो या बॉलिंग की बात कर लो। तो ये सब चीजें होती है जब आप काफी क्रिकेट खेलते हो, एक मेंटली आपको गेम से थोड़ा दूर जाना जरूरी है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना जरूरी है। एक के बाद एक जो गेम में खेल रहे हैं, शायद उसी को बोल रहे हैं। जब आप खेलते हो आपका पूरा फोकस गेम पे होना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट वो पहले दो गेम में हो नहीं पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सडनली खराब प्लेयर हो गए या खराब टीम हो गए। कंसिस्टेंटली हमने क्रिकेट अच्छा खेला हुआ है इतने सालों से, तो एक या दो गेम अगर खराब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्लेयर खराब है और सारी टीम खराब है, जो टीम को चला रहे वो खराब है। समटाइम्स थोड़ा यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, एंड देन यू कम बैक। तो अभी हमने ये मैच में वही किया, जो भी गलतियां हमने पिछले दो गेमों में किया था हमने कोशिश किया कि ये गेमों में ना हो, आने वाले गेमों में ना हो। वेरी गुड। ग्राउंड पे हम जा ही सकते हैं, हमारे हाथ में ये ही है कि गलतियां जो है वो कम से कम किया जाए, क्योंकि आप जब गेम खेल रहे हो इतना प्रेशर वाला गेम खेल रहे हो, गलतियां होंगी, बट कोशिश ये रहती है कि गलती कम हो ना हो। Coming, now.
just that phase of the match, and secondly, your reactions to BCCI announcing Rahul Dravid as the new head coach, just joining hands with him, looking at new coach. Yeah, I mean, firstly, it was important for us to get off to a good start. If we talk about our batting, which which didn't happen in the first two games, that's where, you know, we struggled a little bit to create that momentum in the first 6 overs. So there was a conscious effort. We were talking, myself and KL, we were talking about it, that we need to get a team a good start, and how we can do that is by playing our game, whatever that may be, however we want to play. But yeah, we took our chances. Sorry, we took our chances in the middle. It came off. So that's the whole game. I mean, you take your chances. It comes off. It comes off. If it doesn't come off, you know, you have to start again from the scratch. The batter who comes in have to start again from the scratch. And we wanted to take some risk because, you know, it was important for us when the power play is going on, you try and make the best use of that. And we took our chances, it came off. And yeah, is it official? Yeah. We're playing the game, so I had no idea. Yeah. Congratulations to him. Coming back, achha. But in different capacity in the Indian team. We look forward to working with him. He's a stalwart of Indian cricket, and it'll be nice working with him in the future. This is an answer to that. The batting first or the pitch doesn't play a role in a positive approach. Do you think so? I mean, see, when you post a total like that, you can take the pitch, the conditions, the dew factor out of the play. If you bat like that, if you keep getting consistently 200, which is a very, very challenging one to do. In Dubai, I mean, we've seen the teams who have batted first have not scored as many runs as they would like to. But definitely dew plays a big part in the second innings. The ball tends to come nicely compared to what happens in the first inning. It just grips a little more because of the dryness in the pitch. But it's definitely a factor and an advantage to the team batting second. But as long as we keep batting like that, we get 200. Please introduce yourself. Hi Rohit, this is Deva from Trick Info. Some IPL players sort of play different roles for their IPL side. So, did the team sort of need a little bit of extra time to sort of ease in to their roles with this team going ahead to the World Cup? Not really, to be honest. I mean, all these guys. If I look at the top 6-7 batter, myself, KL, Virat, Pant, Surya, Hardik, and then Jaddu. These guys have been playing for a long time, so they don't need to be told what they need to do in the Indian team. What they do for their franchise is their lookout, but when they come here, they know the role. It's not that, you know, they're playing the first game or the second game for the team. They've been here for a long time now, right? So they understand their roles, what they need to do. What they do for their franchise is really not my concern. What they do here at the moment is my concern, and we've laid out the role pretty clearly as to what they have to do when they go out in the middle. This 7 batters that I took names of, we've been batting consistently for a long, long period of time now, and nobody needs to told what they need to do when they go to bat. These guys are all experienced. Franchising ka bhi thoda ho raha hai. Just about going and adapting to the situation as quickly as possible. मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आज की सिनिक से हिटमैन वापस आ गया, उसका मोमेंटम उससे मिल गया और इंडियन टीम को कितना इससे फायदा हुआ, और साथ ही जो फैंस हैं दोनों जाने एक और इंडिया पाकिस्तान टाकरे के सोच रहे थे फाइनल में, तो क्या इंडियन टीम ये पैगाम दे रही है अपनी फॉर्म वापस आने से कि उन्हें अब ये सोचना चाहिए दोबारा से? देखिए, अब मेरी फॉर्म की आपने बात की, मुझे अच्छा लगा आज बैटिंग करके. हमारे लिए ऊपर के जो बैट्समैन हैं उनका रन बनना बहुत ज़रूरी था, तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे साथ केएल राहुल, उन्होंने अच्छी पारी खेली. वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी बहुत क्रूशल थी हमारे टीम के लिए,
तो ऊपर के तीन बैट्समैन चार बैट्समैन अगर फॉर्म में रहते तो यू नो क्योंकि ज्यादा बॉल्स वो ऊपर के चार बैट्समैन खेलते तो उनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है. तो मैं समझता हूँ कि हमारे चार पांच बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है ऊपर के, इसीलिए आई मीन पहले दो गेम में वो कंसिस्टेंसी बैट्समैन से हो नहीं पाई, सारे बैट्समैन आउट हो गए. बट आज हमारे लिए अच्छा मौका था रन बनाने का और सारे बैट्समैन ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया. और जहां तक आप फाइनल की बात कर रहे हैं, हमारे लिए अभी वो रास्ता काफी दूर है. अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में हमारा मुकाबला होगा कि कौन मैच जीते कौन कौन हारे, और हमारे लिए भी चैलेंजिंग होगा दोनों मैच जीतना. तो हम फिलहाल इतना दूर का नहीं सोच सकते, हमें सोचना है कि हमारा जो नेक्स्ट मैच है उसके बारे में, और उसके पहले अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है तो वो हमारे लिए काफी क्रूशियल मैच होगा. अफगानिस्तान न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा मैच होगा, हार जाए फिर उसके बाद हमारी मैच है. तो अभी रास्ता काफी दूर है फाइनल का, पहले कर लेते ना. हाय रोहित, मैं चक्रवर्ती फ्रॉम टीवी 9. रोहित कांग्रेचुलेशंस ऑन द विन. First of all, a word on Ravichandran Ashwin's inclusion today. He bowled a terrific spell. He was coming into the T20I side after 2017. Oh. So what sort of conversation did you have with him when he was not playing in the England tour or now in the T20 World Cup? And another thing, how different was this pitch to the Dubai pitch? I mean, the conversation with me and Ashwin through the UK tour was about where we should take our kids, which park we should take them. It was nothing about cricket, to be honest. We were only discussing, you know, he's got two beautiful daughters, I've got a daughter as well. So we were only discussing which theme park we should be going to during our off time. But see, I mean, you saw his quality today. You know, he's a quality bowler without a doubt. You know, he's played so much cricket now and taken so many wickets. Obviously playing for India in limited overs, I mean, he also knows that it was a challenge for him because he was playing after 3 or 4 years. But, you know, he was playing IPL consistently and he was bowling really well. And he is someone who's a wicket-taking option. Anytime you give him the ball, he comes to take wickets. He's not there to survive or just to bowl his 6 balls and get away. He's always looking to take wickets, and when you have someone like him in the squad, in playing 11, it gives that advantage, you know, that you have someone in the middle who can take wickets, and that's the quality of him. You know, he understands his bowling really well, and has bowled really well in IPL. He's coming off from a good form as well, so I'm glad that he could contribute to our success today, and I hope he can do the same in the next few games that we play. You have to And you can. I mean, pitch was pretty same. Much what we played in IPL. I mean, see, honestly, the pitch here doesn't change too much. Just the dew factor when it comes on, just gets slightly better to bat in the second innings. That's my reading about the pitch, even in Dubai. When you bat first, slightly holding on to the pitch, slightly two pace, I would say. And then when you bat second, it's just nice and easy. With the dew, it comes on nicely. You can अच्छा लगा कि ये आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आंसर्स की हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की थी, तो वो बड़ा अजीब लगा था मुझे. पर ये आके उन्होंने बात की है, और मतलब जो भी अंदर की बात है, ऑब्वियसली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअल तो बता भी नहीं सकते हो क्योंकि वो इंटरनल मैटर्स हैं. पर हम लोगों के लिए ये खुशी है कि जो भी इंटरनल मैटर्स थे वो रिजॉल्व हो गए. किसी ने कुछ डेफिनेटली कुछ चेंजेस किए हैं जिससे सक्सेस अभी आई है. और जैसे कह रहे हैं कि दूर है अभी पूरी फाइनल्स पे पहुंचना. मेरे ख्याल से बात कर रहे थे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में. मुझे यही लग रहा है कि अगर न्यूजीलैंड हारता है तो फिर शायद इंडिया को मौका मिलेगा. पर बताओ, अगर न्यूजीलैंड नहीं हारा और जीत गया तो क्या इंडिया आउट हो जाएगा क्या? आई होप नॉट. मेरे को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वाला जो मैच है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वो क्रूशियल है. पर मैंने आप लोगों के कमेंट से तो मुझे यही लगा है कि भाई अगर न्यूजीलैंड हारता है तो फिर इंडिया के चांसेस, तो उसके बाद फिर शायद इंडिया को एक और मैच खेलना है शायद, और उसमें जीतना पड़ेगा फिर.
आप बताना भैया क्या है। मेरा तो है कि भैया जो भी हो, इंडिया जो है फाइनल पे पहुंचे और अब जीत के वर्ल्ड कप अब जीत के लाए, क्योंकि जब वर्ल्ड कप जीत के लाएगा ना तो सारे गिले शिकवे जो भी हैं इंडियंस के, क्योंकि इस टाइप से गेम खेली जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो सब भूल जाएंगे। नहीं, अब यही अच्छी बात यह है कि कोई इसमें मास्टरमाइंड था जिसने चेंजेस किए, अच्छा किया, बहुत अच्छी बात। जिसको ये था कि देश का लॉस हो रहा है, तुम आपस में मत लड़ो और ये चेंजेस किए जाएंगे, अब ढंग से खेलो। और अब ये आई होप कि चेंजेस ये बहुत लेट ना आए हो, कि ऐसा ना हो कि अब कोई कुछ भी करने जीत नहीं सकते। काश फिर अगर ऐसा है तो फिर इनको न्यूजीलैंड की गेम के टाइम ही फर्स्ट जब हारे थे पाकिस्तान से उसी टाइम कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी देखते हैं क्या होता है। आई होप कि इंडिया जो है जीत जाए, फाइनल्स तक आ जाए, और अगर नहीं आता तो काफी दुख होगा, बहुत दुख होगा, सबको दुख होगा, आई एम श्योर आप लोगों को भी दुख होगा। पर चलो जो भी है, ये जो है रिजॉल्व हो गया उसकी बड़ी खुशी है और इंडिया जीता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।